मंडला में इस समय चुनावी माहौल जोर पकड़ रहा है। आपको बता दें कि मंडला निवास और बिछिया विधानसभा से नामांकन फॉर्म भरे जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि 30 अक्टूबर 2023 को नामांकन जमा करने की अंतिम तारीख है। आज 27 अक्टूबर को बिछिया विधानसभा क्षेत्र से गौड़वाना गणतंत्र पार्टी से इंजीनियर कमलेश टेकाम ने नामांकन दाखिल किया। वहीं आपको बता दें कि गौड़वाना से प्रत्याशी कमलेश टेकाम के समर्थन में अपार जनसमूह शामिल हुआ। यह जनसमर्थन यह दिखा रहा है कि गौड़वाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी को हल्के में लेना दोनों पार्टियों के लिए भारी पड़ सकता है। आप देख ही रहे हैं कि हम हजारों कार्यकर्ताओं के साथ और जनता के समक्ष साथ में रहकर जो आज नामांकन दाखिल किया है, ये कोई कांग्रेस और भाजपा की तरह है, ये किसी के लाए हुए लोग नहीं है। ये किराए से लाकर और भीड़ इकट्ठा करते हैं। ये गौड़वाना गणतंत्र पार्टी के नाम से एक जनता का रुझान और उन लोग अपने खर्चे से और ये सब अपनी इच्छा से और समर्थन के कारण उपस्थित हुए। और हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे कि दूसरी पार्टियां भीड़ लेकर आती हैं और दिखाती हैं, वैसा हम लोग नहीं करते, क्योंकि गांव-गांव से लोग हमारे समर्थक ऐसे हैं कि आज तक जो दोनों पार्टियों ने किया है वो सब देख ही रहे हैं। इनके चाल चरित्र से सभी लोग परिचित हैं कि जैसा कि हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है कि गौड़वाना गणतंत्र पार्टी ये भाजपा की बी टीम है, तो भाई ये मैं बताना चाहता हूँ कि मंडला में ही ऐसा एग्जाम्पल है कि जो घर घर जाकर अभी भ्रमित करने का काम कर रहे हैं कांग्रेस के हों या भाजपा के लोग, कि जिला पंचायत में जो अभी 1.5 साल पहले चुनाव हुआ था तो मेरे बारे में गलत अफवाह फैला रहे हैं डोर टू डोर जाकर कि ये भाजपा की बी टीम है, पैसा लेकर समर्थन करते हैं। तो ये मैं बता दूं कि मंडला नगर पालिका में आपको देखने को मिलेगा, ये मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे वो अपना नहीं देखते कि भाजपा का अध्यक्ष है और कांग्रेस का उपाध्यक्ष है, तो और नैनपुर में भी ऐसा ही है। तो मीडिया के माध्यम से ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जनता को जाए, जन जन तक पहुँचे कि हमारे बारे में जो आरोप लग रहा है वो बिल्कुल निराधार है। जैसा कि आज यहाँ इतनी भीड़ के साथ उपस्थित हुए हैं तो लोगों का रुझान है परिवर्तन का बिछिया विधानसभा के लिए, क्योंकि दोनों राष्ट्रीय पार्टी के सामने मुकाबला है, गौड़वाना गणतंत्र पार्टी का, और पूरा जिला जानता है कि जब हम लोग जो है छोटे छोटे मुद्दों पे सारे वर्गों के लिए और यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और उनकी हर समस्याओं को लेकर प्रशासन के सामने, शासन के सामने हमेशा आते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है कि चुनाव के टाइम पे ये ऐसा बोले कि सामाजिक पार्टी। सामाजिक है क्योंकि समाज का नेतृत्व कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है। जो आज तक यहाँ से नेतृत्व किए हैं 40 साल से माननीय कुलस्ते जी जो सांसद और मंत्री रहे हैं, जैसा कि 10 साल से नारायण सिंह पट्टा रहे हैं, तो वो कार्य दिख रहा है, क्योंकि धरातल पे ऐसा कोई अभी तक उनने काम नहीं किया है जनता के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए। तो हम वो करके दिखाएंगे, गौड़वाना गणतंत्र पार्टी करके दिखाएगी जो जनता देखेगी। हम एक बार आग्रह सबके बीच में करना चाहेंगे और मीडिया के माध्यम से भी मैं ये कहना चाहूँगा, जो लोग या दूसरी पार्टियाँ भ्रमित करती हैं, सामान्य वर्ग हो चाहे कोई भी हो, क्षेत्रवासी और एक क्षेत्र का विधायक होता है, जनप्रतिनिधि होता है, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, उसकी जिम्मेदारी रहती है, इस क्षेत्र से चुन के जाएगा तो वो किसी समाज और किसी व्यक्ति का नहीं होता, वो पूरे क्षेत्र के विकास के लिए काम करता है।